के जनपद मैनपुरी में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसे देखकर सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, एक ऐसी वारदात, सनसनीखेज वारदात, जो एक परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि परिवार का ही सदस्य अपने ही परिवार को खत्म कर देगा और फिर खुद खुशी भी कर लेगा। किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को वह सात्र अंजाम दे देगा। एक महीने ही पहले उसने ये पूरा प्लानिंग तैयार की, इस बड़ी वारदात की प्लानिंग, सनसनीखेज वारदात की प्लानिंग। एक महीने पहले ही उस फरसे को कर लिया था तैयार, घर पर भी लेकर आया, मगर परिवार जनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी फरसे से वह हमारा कत्ल कर देगा, हमें खत्म कर देगा। यह किसी ने नहीं सोचा था। एक बहुत बड़ी वारदात है उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में, जो किसनी में इतनी बड़ी वारदात को इस सात्र ने अंजाम दिया और पहले परिवार जनों को खत्म किया, उसके बाद अपने आप को खत्म कर लिया। ऐसी वारदात आपने कहीं देखी है जो घर के व्यक्ति ने अपने परिवार जनों को खत्म कर दिया? एक बड़ी सनसनीखेज वारदात यूपी अपराध में हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए हमारे खास प्रोग्राम यूपी अपराध में। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के किशनी में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसे सुनकर देखकर आप दंग रह जाएंगे। शिववीर ने एक महीने पहले ही चारा काटने की मशीन के ब्लेड से ये मजबूत फरसा बनवाया था। तब घर वालों को अंदाजा भी नहीं होगा कि वह इसी फरसे से वो घर का सर्वनाश कर देगा। मैनपुरी के किशनी के गांव गोकुलपुर में नव विवाहित छोटे भाई नई नवेली दुल्हन के साथ पांच रिश्तेदारों का कत्ल करने वाले शिववीर ने जिस फरसे से हत्याकांड को अंजाम दिया वो बेहद खास है। ये फरसा बाजार में मिलता नहीं है, इसे उससे बनवाया था। अपने अपनों का खून बहाने वाला गांव गोकुलपुर अरसारा निवासी शिववीर शायद एक महीने पहले ही हत्याकांड की पृष्ठभूमि तैयार कर चुका था। करीब एक माह पहले ही चारा काटने वाली मशीन के ब्लेड को वह मजबूत फरसा बनवा कर घर लाया था। उस समय घर के किसी सदस्य को इस बात को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि इस फरसे से शिववीर परिवार के लोगों का खून बहाएगा। शिववीर भाई सोनू की शादी में शामिल तो जरूर हुआ, लेकिन वह रस्मों से अलग ही रहा। वह शादी समारोह के दौरान किसी भी फोटो में नजर नहीं आया। जानकारी ये भी मिली कि वह वारदात लौटने से पहले ही कर चुका था। दिन भर शादी की रस्में चली, रात को 1 बजे एक डीजे बजा और खूब नाच गाना हुआ। इस बीच शिववीर ने कोल्ड ड्रिंक पे पी लाई। इसके कुछ देर बाद ही सभी लोग सोने के लिए चले गए। शिववीर ने छत पर सो रही नव विवाहित बहु सोनी पर फरसा से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पास ही सो रहे उसके पति मझले भाई सोनू 24 पर फरसा से कई वार कर हत्या कर दी। इस बीच वह लोग जाग गए और शोर मचा दिया। सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच हुए इस घटनाक्रम के बाद आरोपी ने घर के पीछे जाकर तमंचा से खुद के सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोली चलने की आवाज और परिजन के बीच चीख पुकार सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए। 5 लोगों की हत्या से गाँव के लोग तहल उठे।